नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्ट्रेस वैशाली टक्कर की। बता दें, वैशाली टक्कर के निधन को 4 दिन हो गए हैं और उनका परिवार अभी भी गहरे सदमे में है। खास तौर पर उनके माता पिता की अगर बात करें तो उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो पाया कि उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वैशाली के घर में उनकी शादी की शहनाइयां बजने वाली थी, लेकिन अफसोस आज एक्ट्रेस के घर में सन्नाटा छा गया। वैशाली के माता पिता अपनी बेटी के निधन से पूरी तरह से टूट गए हैं और अब न्याय की मांग कर रही हैं। वैशाली ने अपनी शादी से 4 दिन पहले अपनी जान लेने का फैसला ले लिया। एक्ट्रेस का ये कदम उठाने के लिए उनके पड़ोसी और एक्स राहुल नवलानी ने उन्हें मजबूर किया। इसलिए वैशाली का परिवार चाहता है कि उनकी बेटी की जान लेने वाले राहुल और उनकी पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि राहुल की पत्नी दिशा भी उसके साथ इस पूरे कांड में मिली हुई है। बता दें, वैशाली ने राहुल के बारे में अपनी माँ को बताया भी था और कहा था कि वो बहुत खतरनाक है। अब मीडिया को दिए इंटरव्यू में वैशाली की मां ने राहुल के बारे में कई खुलासे किए। एक्ट्रेस की मां ने बताया कि वैशाली ने कहा, मम्मी वो मुझे 2.5 साल से परेशान कर रहा है, मैं नहीं बताना चाहती थी क्योंकि आप हर्ट की पेशेंट हो और मुझे लगा ये सब मैं खुद संभाल लूंगी, लेकिन मैं अब थक चुकी हूं और आप इस समस्या को सॉल्व करो। वैशाली ने राहुल के बारे में अपनी मां से ये भी कहा था कि वो डर फिल्म के शाहरुख खान के कैरेक्टर की तरह है। वो बाहर से दिखने में स्वीट है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा डेंजरस, उसको कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानती हूं। वैशाली की मां ने ये भी बताया कि शादी से कुछ दिन पहले वैशाली ने मितेश के साथ फोटो शेयर की थी, यहीं से राहुल को मितेश के बारे में पता चल गया और इसके बाद राहुल ने मितेश को सोशल मीडिया पर मैसेज किया। ऐसे में मितेश कुमार गौर, जिससे वैशाली की सगाई हुई थी, वो आखिरी वक्त में पीछे हटने लगा। मितेश को शादी की रस्मों के लिए इंदौर आना था लेकिन वो बहाने बनाने लगा। ये दूसरी बार था जब राहुल की वजह से वैशाली का रिश्ता टूटा। इससे पहले भी राहुल की वजह से वैशाली की एक सगाई टूट चुकी थी और अब उसी राहुल की वजह से वैशाली की शादी भी टूटने के कगार पर थी। ऐसे में राहुल की हरकतों से तंग आकर वैशाली ने ये कदम उठाया। एक्ट्रेस की मां ने वैशाली और मितेश गौर को कोर्ट मैरिज के पेपर भी दिखाए। दोनों की 20 अक्टूबर को इंदौर में शादी होने वाली थी लेकिन अफसोस, शादी के बंधन में बंधने से पहले ही वैशाली ने अपनी जान ले ली। इस पूरे मामले में राहुल की पत्नी दिशा भी उसकी पूरी पूरी भागीदार है। पति पत्नी मिलकर वैशाली को लंबे समय से मेंटली टॉर्चर कर रहे थे और वैशाली के निधन के बाद पूरा परिवार फरार बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इंदौर पुलिस इस केस को किस तरह से सॉल्व करती है। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।